सिंध के लिए तमाम रेस्टोरेंट्स और शॉपिंग मॉल्स बंद करने का ऐलान कर दिया। वजीर आला सिंध के ज़ेर सदारत कोरोना वायरस के केसेस में इजाफे और इस हवाले से इकदाम पर इजलास हुआ, जिसमें फैसला किया गया कि सरकारी दफातर, रेस्टोरेंट, शॉपिंग मॉल, तफरी मकाम और इंटरसिटी बस सर्विस 15 दिन के लिए बंद किए जाएंगे। मजीद तफसीलात इस रिपोर्ट में। तालीमी इदारों की बंदिश के बाद सिंध हुकूमत ने एक बड़ा फैसला कर लिया। सरकारी दफातर, रेस्टोरेंट, शॉपिंग मॉल, तफरी मकामात और इंटरसिटी बस सर्विस 15 दिन के लिए बंद रहेंगे। वजीर आला सिंध मुराद अली शाह ने कहा कि रेस्टोरेंट और शॉपिंग मॉल 15 दिन के लिए बंद करने का फैसला किया। ताहम इस बंदिश के दौरान तमाम कुरियाना स्टोर, मेडिकल स्टोर, सब्जी, मुर्गी, मछली और दीगर गोश्त मार्केट्स खुली रहेंगी और अगर शॉपिंग मॉल्स में कुरियाना की दुकानें हैं तो वो खुली रह सकती हैं। बड़े होटल्स में रेस्टोरेंट सर्विस बंद होगी, वहीं पर खाने का इंतजाम और मजमे पर पाबंदी होगी। ताहम रेस्टोरेंट्स पर ऑर्डर से खाने की चीजें मंगवाई जा सकती हैं। वजीर आला सिंध ने कहा कि वायरस का मुकाबला करने के लिए हमें इसके फैलाव को रोकना है। अगर ये वायरस फैल गया तो अस्पताल कम पड़ जाएंगे। शहरियों को घरों में महदूद रखना चाहते हैं, इसलिए अवामी पार्क्स और सी व्यू भी कल से बंद रहेंगे और सरकारी दफातर भी जुमेरात से बंद कर दिए जाएंगे, जिसका नोटिफिकेशन चीफ सेक्रेटरी जारी करेंगे। तमाम अहकाम पर इतलाक कल से हो जाएगा। हर खबर से अपडेट रहने के लिए खबरों सियासी या मुल्की बहरान की, या हो आपके मुरझाए हुए चेहरे पर मुस्कुराहट लाने की बात, हम बनेंगे आपकी आवाज़। सब्सक्राइब कीजिए पाकिस्तान के सबसे बड़े वेब टीवी क्विक न्यूज को और बेल आइकन दबाना ना भूलें, ताकि आपको लेटेस्ट अपडेट मिलती रहे।